व्हाट्स अप एवरीवन, सो दिस इज रूलर्स जी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी ट्यूटोरियल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है, वो भी फोटोशॉप की। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक योर फोटो इनटू अ पेंटिंग एंड अ पेंटिंग इफेक्ट यू कैन से लाइक। बट इसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर आर्टिस्ट और फॉर बिगिनर लेवल आर्टिस्ट हु आर जस्ट लर्निंग हाउ टू पेंट डिजिटली। ओके, सो यू शुड हैव योर वैल्यू सेंस एंड ऑल्सो, ये उनके लिए नहीं है जो पेंटिंग लर्न कर रहे और प्रोफेशनली पेंटर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। दिस इज़ बेसिकली फॉर यू नो लाइक फोटोग्राफर्स और फोटो एडिटर, और मे बी यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन ग्राफिक्स और समटाइम्स फॉर पोस्टर्स एज वेल। एंड दिस इज़ अ वेरी क्विक थिंग टू डू एंड द इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और मेरे अदर ट्यूटोरियल्स भी आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी। सो सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड स्मैक द बेल बटन। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन मेक दिस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक फ़ोटो को पेंटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत क्विक वीडियो है और बहुत यूज़फुल भी है, बहुत जल्दी ये हो जाता है। एंड फॉर फोटो एडिटर्स एंड फॉर क्विक एडिटिंग दिस इज़ वेरी यूज़फुल थिंग। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी जो डिजिटल आर्टिस्ट है और जो डिजिटल पेंटर है और जो नए हैं इस काम को सीख रहे, उसको ये चीज़ अप्लाई करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बिकॉज़ लाइक ये क्या होता है कि ये सॉर्ट ऑफ चीटिंग है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आप एक पेंटिंग इफेक्ट कर सकते हो इसमें फोटोशॉप में, लेकिन ये जेन्युइन प्रोसेस नहीं है पेंटिंग सीखने की। सो अगर आपको पेंटिंग सीखना है तो आपको मतलब असली प्रोसेस, असली प्रोसीड्योर से सीखना है, जैसे वैल्यू सेंस आपका होना चाहिए। सो इन दैट कैटेगरी इट इज़ नॉट यूज़फुल। बट अगर आप एक फोटो एडिटर हो और आपको कुछ ऐसे पेंटिंग का इफेक्ट चाहिए कुछ फ़ोटो में, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है एंड बहुत क्विक चीज़ है। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क की यूज़ करूँगी, ठीक है, क्लिपिंग मास्क टूल की यूज़ करूँगी। सो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, सो ये फ़ोटोशॉप मैंने ओपन करके रखा है, ये फ़ोटोशॉप CC 2015 है मेरा वर्शन। तो आप चाहे इसके लोअर वर्जन में भी कर सकते हैं, अगर आपका इसमें इसका लोअर वर्जन है और अपर वर्जन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू फाइल न्यू एंड आई विल टेक A4 साइज यू नो लाइक पेपर। तो अगर आप चाहे आप अपने हिसाब से अपने साइज की पेपर भी ले सकते हो। ओके, सो आई एम टेकिंग A4 साइज। ओके एंड हिट ओके। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसका आई एम जस्ट रीनेमिंग दिस। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड। अभी क्या कर रही हूँ मैं, आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर। ओके एंड इसमें मैं आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग अ पिक्चर। सो आई विल गो टू फाइल प्लेस। ओके, सो I'll go to so मैंने ये import कर लिया है, तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं इसको थोड़ा drag करूँगी, और drag करने के लिए shift alt and then drag it with mouse using the you know using left key, left click। okay, सो ये हो गया, अभी इसको प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, ये प्लेस हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा मैं इसका रीनेम कर देती हूँ। तो ये एक्चुअली ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसको रास्टराइज करना है। तो रास्टराइज करने के लिए मैं और एक लेयर लूँगी इसको यहाँ से, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मार्श लेयर्स। ओके, फिर मैं इसका रीनेम कर देती हूँ। पिक्चर, ओके, अभी मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा दूँगी। तो यहाँ से मैं ऊपर जा रही हूँ, इमेज एडजस्टमेंट,
एंड लेवल्स. ओके सो लेवल्स में जाके यहाँ पे थोड़ा इसका ब्लैक एंड वाइट का रेशियो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. ओके तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट. आई एम हीरिंग ओके. फिर क्या करूँगी मैं, फिर आई एम टेकिंग वन टेक्सचर. ओके तो ये टेक्सचर मैंने खुद बना के रखा है. सो अगर आप चाहे तो आप अपना टेक्सचर बना सकते हैं खुद का. तो ये मैंने खुद बनाया है ऑन अ पेपर एंड देन आई स्कैंड इट. ओके तो मैं देख रही हूँ कि सो ये ड्रिपिंग पेंट कलर टेक्सचर. तो ये मैं प्लेस करूँगी यहाँ पे. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्सचर मैंने ब्रश से और गॉश कलर से मैंने बनाया है एक पेपर में. फिर इसको मैंने ड्राई करके इसको स्कैन करके रखा है. तो अगर आप चाहे तो आप अपना खुद का टेक्सचर आप बना सकते. तो ये मैंने पहले से बना के रखे है. तो ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं फिर से रास्टराइज कर लूँगी इसको. So I will take a new layer and then I will select both layers and merge. Okay. तो अभी ये हो गया. अभी मैं क्या करूँगी, इसका right click करूँगी. Okay. Right click करके I will click create clipping mask. Okay. Create clipping mask. तो अभी क्या हो गया, ये clipping mask इसमें ready हो गया. तो अभी मुझे क्या करना है, I'll go to this इरेजर टूल. ओके इरेजर टूल एंड यहाँ से जैसे कि होता है ना कि ब्रश जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मैंने मेरा कुछ ऐसे पहले से ही मैंने मेरा कुछ ब्रश यू नो लाइक इंस्टॉल्ड ब्रश है, फोटोशॉप ब्रश जो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है. तो आप आपके पसंद की ब्रश ले सकते हो, ये आपके ऊपर है. आप कोई भी ले सकते हो, वट एवर यू नीड. तो अगर आप चाहो तो आप मैंने लिंक भी दे दिया है मेरे YouTube लाइक इस वीडियो के नीचे मेरा लिंक भी है इस ब्रश का. तो अगर आप चाहो तो ये पर्टिकुलर ये ब्रश को भी डाउनलोड कर सकते हो. तो यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस ब्रश ओनली दिस वन. ओके सो अभी मैं इसके ऊपर काम करूँगी. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके ऊपर मैं लाइक यू कैन डू इट विद माउस ऑल्सो. ओके बट मैं पेन टैबलेट से कर रही हूँ. लाइक आई हैव इंटूस 5 वाकम इंटूस 5, तो उससे इफ़ेक्ट थोड़ा बेटर होता है. अगर आप चाहो तो आप माउस से भी कर सकते हो, उससे इफ़ेक्ट उतना बेटर नहीं होगा बट चल जाएगा. ओके सो आई एम टेकिंग द वाकम पेन नाउ एंड आई एम जस्ट पेंटिंग ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके सो विथ दिस ब्रश जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं पेंटिंग कर रही हूँ मेरे नीचे का जो इमेज है वो बाहर आ रहा है. ओके सो बेसिकली आई एम ब्रशिंग दिस पार्ट एंड क्या हो रहा है कि नीचे का जो मेरा इमेज है वो ऊपर आ रहा है. ओके सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड करने में भी बहुत जल्दी हो जाता है एंड बहुत फन टेक्निक भी है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये पेंटर के लिए ज़्यादा, मतलब जो लोग नॉविस है अभी स्टार्ट किया है, जो पेंटिंग करना स्टार्ट किया डिजिटल पेंटिंग, उन लोगों के लिए ये ठीक प्रोसेस नहीं है. क्योंकि अगर आपको पेंटिंग सीखना है तो आपको प्रॉपर प्रोसेस में सीखना पड़ेगा. ये जस्ट फॉर एडिटिंग और जस्ट फॉर क्विक थिंग दिस इज़ ओके. ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट ला रहा है यहाँ पर. पास जितने भी टाइप का ब्रश है आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के ब्रश यूज़ करके आप लाइक थोड़ा क्रिएटिव बन सकते हो. देख सकते हो कौन से ब्रश में इसका इफेक्ट लाइक बेटर आता है. लाइक आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं जो करूँगी इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी. मैं इसके ऊपर एक लेयर लूँगी, न्यू लेयर. ओके इसका कलरिंग लेयर. ओके
तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं सिमिलर प्रोसेस से मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ब्रश टूल को लेके सिमिलर लाइक ब्रश चूज़ करके मैं इसके ऊपर थोड़ा पेंट करूँगी ताकि ये दिखने में पेंटिंग के जैसे लगे। ओके, तो अभी मैं इतना सा ही रखने वाली हूँ इसको। अभी क्या कर रही हूँ मैं, अभी मैं ये आई एम सिलेक्टिंग दिस थ्री लेयर्स एंड आई एम जस्ट मार्चिंग देम। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज अगेन द ब्रश टूल एंड अभी क्या करूँगी मैं इसके ऊपर इस कलर लाइक ऑलरेडी दिस पिक्चर के ऊपर मैं थोड़ा ये ब्रश को भी चला लूँगी ताकि ये आखिर में एक पेंटिंग का इफेक्ट लगे। यू कैन ऐड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो लाइक इफ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अदर ग्राफिक एलिमेंट ऑल्सो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ओके, तो सो ये बन गया मेरा आज का आउटपुट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप और भी क्रिएटिव हो सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको मैं जैसे इसको थोड़ा इसका एडजस्टमेंट बढ़ा देती हूँ, लाइक आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग लाइक दिस। तो इसमें आप थोड़ा एलिमेंट ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको चाहिए होगा एलिमेंट ऐड कर सकते हो इसमें। और आप इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अदर टेक्स्चर्स एज वेल, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो आपको चाहिए हो तो। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी एंड बहुत इजी तरीके से कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव बना सकते हो। सो ये था आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक देना मत भूलिए, लाइक डिड यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ पेंटिंग इफेक्ट, सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी दैट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल लव टू रीड दैट। ओके, सो अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्ती में रहिएगा। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।